So all the best for your future, brother. Ah, thanks a lot. Thanks a lot. And it's nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. By the way, pardon me. I didn't even ask your name. My name is Suraj. Suraj. And you can find me on YouTube. It's a Lone Ranger Traveler. Lone Ranger Traveler. Yeah. Okay, that name sounds so cool, huh? नजारे बड़ा खूबसूरत है और मौसम बहुत नाराज है लगता है देख के अच्छा है ना भैया। विश्वमा जो है नागालैंड का सबसे पुराना विलेज है और कह सकते हो सबसे बड़ा विलेज भी है। और मैं पिछले दो दिन से जो अमी भैया के घर में था उनका गेस्ट हाउस में था और भाई साहब क्या ही बताओ, इतना मतलब एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो रहा है ना, कहीं पर भी जा रहा हूँ कई बार होता क्या है ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो लोग अपनी खुद की तरह ट्रीट करते हैं अपने घर में लेके मुझे। सो मैं था अमी भैया के गेस्ट हाउस में। अमी भैया कौन है, अगर पिछली ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, उनका एक गेस्ट हाउस है ये टिपुल कॉलोनी विश्वमा विलेज पे नागालैंड का। और उनके पास मैं रुका हुआ था पिछले दो रात से और उन्होंने जो है मेरे से एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया। भाई यहाँ पर जो है ना खाना थोड़ा सा जो है महंगा हो जाता है क्योंकि यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास है कोहिमा, वहाँ से जो है खाना पीना सब यहाँ पे लेके आते हैं और फिर आपको बना के सर्व करेंगे। तो टॉप ऑफ द हिल पे है बेसिकली और तो खाना इसलिए जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है। आज पता नहीं क्यों भाई मौसम जो है थोड़ा सा नाराज़ हो गया। सुबह सुबह उठा हूँ कुछ 5 डिग्री के आसपास है, सुबह का 10 बजा है भाई और नागालैंड में जो है दिसंबर का महीना है और ऐसे लग रहा है कि कभी भी यहाँ पे बारिश आ सकता है। सो यहाँ से जो है चल के जो है मैं चलूँगा विश्वमा विलेज का मेन गेट तक और विश्वमा विलेज का मेन गेट जो है वो है एक्चुअल जुको वैली का ट्रेकिंग पॉइंट जो कि सबसे खूबसूरत वैली है। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन लाइक नेवर बिफोर। ये जो रोड है ना ये कुछ 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो है मणिपुर बॉर्डर आ जाता है। ये जो गाड़ी सारे जा रहे हैं ना ये सारे के सारे जो मणिपुर जा रहे होगा, यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पीछे की तरफ जो है सो कह सकते हो मैं जो रोड में चल के जा रहा हूँ यही बॉर्डर रोड है मणिपुर और नागालैंड का। और रोड का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब भाई, दिसंबर 2022। तो हमारे आर्मी वाले भाई लोग जो है मणिपुर की तरफ जा रहे हैं। मैं जाऊंगा कोहिमा अभी भाई। कोहिमा? और आया कहाँ से? मैं आया हूँ ओडिशा से। ओडिशा से? अच्छा, आप कहाँ से हो? हम असम से। असम से? अच्छा, विश्वमा विलेज का मेन गेट है ये। हाँ। और भाई साहब से मैं यहाँ पे मिला और उनसे मैं कहना अकेले ट्रैवल करने से एक फ़ोटो लेने के लिए भी ना किसी की मतलब मदद लेना पड़ता है, तो भाई साहब से मैंने थोड़ी मदद लेके जो है एक फ़ोटो लिया यहाँ। लोग यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करते हैं भाई, शायद मुझे भी एक मिल जाता ऐसे भाई मैं भी ट्रैवल कर लेता इन लोगों के साथ, पर मैं जा रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ इतने सारे लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो एक ट्रक के अंदर बड़ा मज़ा आता होगा पर ज़्यादा देर तक नहीं भाई वहाँ पे खड़ा ही था मेरा। आजकल ना ऐसा हो गया नागालैंड आने के बाद मेरे को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता लिफ्ट के लिए। ये देखो भाई दो भाई जो है ये लोग कहाँ से भाई, आसाम जो है ना आप लोग? हाँ, तो कहाँ जाओगे आप लोग? गुवाहाटी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में रहे। अच्छा अच्छा, तो दोनों भाई जो है इनको मैं विश्वमा विलेज का गेट के पास भाई से मिला था, उनसे मैं मतलब फोटो उठा रहा था मैं कि भाई थोड़ा कैमरा पकड़ो। और भाई जो है अभी जा रहे हैं आसाम की तरफ और मुझे जो है कोहिमा में छोड़ देंगे। कोहिमा कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है ना। रोड का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई, इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या ही बताऊँ। इस एरिया में ठंडा भी बहुत ज़्यादा है अभी भी जा रहे हैं ना हम लोग, कुछ 5 डिग्री के आसपास है यहाँ पर। हाँ, और ऊपर से आज धूप भी नहीं निकल रहा है भाई, बारिश हो गया, बारिश होने वाला है। तो ये अभी बना है, पूरा गर्म है। ये आलू चाप है शायद? आलू चाप? हाँ, आलू चाप जान पहचान है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है, जबरदस्त है। ये जो व्यू है ना ये बड़ा कूल लगता है मुझे, ये देखो नजारा।
यहाँ पे ना एक चीज बहुत ही सही लगता है यार, किसी भी गांव में जाओ ना, हर गांव का खूबसूरती एक अलग होता है, लगेगा कि एक ही जैसा है, पर जब वहां पे पहुंचोगे ना घूमते हुए लगता है यही पास में ही तो है गांव, पर वहां पे पहुंचने के लिए भाई 5-7 किलोमीटर होता है, जैसे घूम के रोड जो है ट्विस्टी रोड होता है ना भैया, लगता है कि यही पास में है। ये देखो वो वाला गाँव, वहाँ कम से कम 2-3 किलोमीटर बहुत घूम के जाना पड़ता है। ये देखो भाई गाँव, और अगर दिसंबर का महीने में अगर पहली बार कभी बारिश होता है ना यहाँ पे, तो बारिश होने के बाद ही जो है सुको वैली जो है वहाँ पे दूसरे दिन से जो हैवी बर्फबारी शुरू हो जाता है कहते हैं। तो अगर आपको सुको वैली में अगर बर्फ देखना है तो आपको दिसंबर का महीने में आना चाहिए, दिसंबर का एंड में। सो यहाँ से जो है होता है कोहिमा का शुरुआत, ये जो है कोहिमा का कुछ कॉलोनी है, यहाँ से होता है कोहिमा का शुरुआत, और अभी भी कुछ 4-5 किलोमीटर है आगे जाकर किंगमा विलेज, और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा हम लोग जो है फोटो ले रहे थे भाई, नज़ारे बड़ा खूबसूरत है और मौसम बहुत नाराज है लगता है देख के आज, है ना भैया? पर पता नहीं आज क्या हो गया, सडनली जो है गूगल भाई साहब दिखा रहा था कि 1-2 दिन में बारिश होने वाला है। रात को हुआ है, रात को यहाँ पे बारिश हुआ था, जो आप इधर रात को गए थे शायद, रात को, तो भाई लोग जब जा रहे थे इस तरफ से कोहिमा में बारिश हो रहा था, अभी दिसंबर का महीना है और उसी वजह से ठंड की तादाद यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं सिर्फ रास्ते से चल चल के जाता हूँ या फिर गाड़ी में जब बैठा होता हूँ ना, मैं सिर्फ एक ही चीज देखता रहता हूँ, इनका घर यार कितना खूबसूरत जगह पे लोग रहते हैं घर बनाकर, पर हम लोग सोचते हैं कितना ही मतलब मजा होगा इनके लाइफ ना, है ना, इतना मजा होगा इनका लाइफ, पर बहुत ही डिफिकल्ट है इनका लाइफ। ये देखो किंग साइज वाला घर था वो राजा लोगों का घर है वो, हिल स्टेशन में जितना मजा आता है, हम लोग बाहर से आते हैं मजे लेके चले जाते हैं, पर इनका लाइफ उतना इजी है नहीं, थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट है। आप सोचो हर दिन आपको क्लाइंब करना पड़ जाए, है ना, कहीं पे आप रुके हो पहाड़ के ऊपर रुके हो, हर दिन ऊपर नीचे आप हो रहे हो, जो कि तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर दिन अगर एक ही चीज़ करना पड़ जाए ना फिर बोरिंग लगता है वही चीज़। जो है कोहिमा से 30 किलोमीटर बाद जो है मणिपुर बॉर्डर आ जाता है और ये NS-2 है। फिर मिलेंगे भैया, और थैंक यू सो मच है आपके मदद के लिए भैया, आराम से जाइए, ओके फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो ब्रदर, आर यू लोकल हियर? यप। सो आई वांट टू गो टू द विलेज कॉल्ड खोनोमा, व्हिच वे, दिस इज द वे, okay, from there I'll get a taxi or something, or no, I just want to know the roads. Yeah, I'll ask somebody there as well. So you are going that way, I guess? I'm going home. So you are helping me, right? Thank you. Have a good day, brother. You too. So, भाई साहब किसी को कुछ पूछो ना, यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, वो आपको वो कुछ कहीं जा रहे होते हैं ना आपको मदद कर देते पहले, उसके बाद वो जहाँ जाना होता है वो जाते हैं। तो भैया जो है 1 किलोमीटर आसपास मेरे साथ चल चल के आके मुझे रास्ता दिखा दिए, फिर घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे जाना है खोनोमा और मैं पहुंच गया हूं फिलहाल नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। सब मुस्कुराइए, आप नागालैंड का कैपिटल कोहिमा में हो और मैं भाई चल चल के जो है टॉप ऑफ द हिल पे आ चुका हूं, और यहां पे जो है बस एक चीज़ की कमी है वो है बर्फबारी की, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। ठंड कुछ 4 डिग्री के आसपास है, पकड़ लो ऑलमोस्ट जो है रात को 0 से नीचे चला आता है यहाँ पर, और बारिश भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है। पता नहीं आज मौसम भाई साहब कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया लगता है, ठंडी हवा थोड़ा लगता है तो आँख से कुछ ज़्यादा ही पानी निकल जाता है भाई, जिसकी वजह से मैं चश्मा पहन के घूम रहा हूँ और ये भी फॉग हो जा रहा है भाई, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर और चश्मा पहनने की मेरी आदत है ही नहीं, पर फिर भी पहनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है चश्मा पहनना मेरी आदत है नहीं, शायद चश्मा पहनते हुए मैं जोकर की तरह दिखता हूँ, पर क्या करूँ भाई मजबूरी है पहनना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, आँख से पूरा पानी टपक रहा है भाई। 25th December था, कल क्रिसमस था, और आज जो है लोग जो है थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ का नॉर्थ ईस्ट के लोग, जिसकी वजह से मुझे ना यहाँ पर बस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। आई होप लिफ्ट तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे ही देगा, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करूँगा, पर दिक्कत ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे बारिश आने वाला है, मतलब गिर रहा है थोड़ी बहुत, ये देखो भाई हालत कैसा हो पड़ा है। लिफ्ट लेकर जो है फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ जोसमा विलेज पे, इज़न्ट इट जोसमा, या इट्स जोसमा, इस जोसमा
सो मुझे जाना है खोंदम्मा और ये रहे ब्रदर, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। सो व्हाट्स योर नेम ब्रो? माय नेम इज बेंजामिन। हिज नेम इज बेंजामिन एंड ही वाज प्रीवियसली पोस्टिंग इन NIT एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय आई मस्ट से बिकॉज सो यू मस्ट बी लाइक फिजिशियन और समथिंग। Yeah, I'm doing my BSc. I completed my BSc Physics Honours. Now I'm preparing for Masters for some entrance exams. Yeah. Okay, so actually, I'll be going here. Okay, brother, you just drop me here. The road, Khondamma Road is here. So I'll just drop you somewhere, okay? Okay. From side. Actually, my PG is just this. This is Zenith Boys Hostel. This one is Boys Hostel? Yeah. Yeah. It's written in there, in the wall. Yeah, it's over there. So, all the best for your future, brother. Ah, thanks a lot, thanks a lot. And it's nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. By the way, I didn't even ask your name. My name is Suraj. Suraj. And you can find me on YouTube. It's a Lone Ranger Traveler. Lone Ranger Traveler. Yeah. Okay, that name sounds so cool, huh? I mean, it all describes about you being a Lone Ranger. Yeah. Lone Ranger Traveler, huh? Yeah. Okay brother, have a good day. Yeah, you too bro. Yeah, bye-bye. Bye-bye. कोहिमा नागालैंड का कैपिटल में आपका स्वागत है भाई। दिन का कुछ 10 ही बजा है और नज़ारा कुछ ऐसा है, 26th of December 2022 है और देख रहे हो भाई यहाँ पे जो है मौसम, भाई साहब थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है बूंदाबांदी चालू हो गया है और अगर ठंड के बारे में पूछोगे तो कुछ 5 डिग्री के आसपास है। सो कह सकते हो रात को जो है 0 डिग्री हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भाई। मेरा गेटअप देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। और अभी वेदर उतना क्लियर है नहीं, अगर वेदर क्लियर होता तो ये जो नज़ारा है ना भाई, काश, वाह मैन, मतलब अभी मन कर रहा है यहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहूं। पता नहीं ये किनका घर है, मैं बस उनके छत के ऊपर रोड से जा ही रहा था और छत जो है रोड से लगकर है इनका, तो कहीं पे भी जा रहा हूं लोग जो है मदद कर दे रहे हैं भाई, उतना मेहनत हो नहीं रहा है। कभी कभार थोड़ी बहुत चलना पड़ जाता है पर जब ऐसे नज़ारे मिल जाता है ना और कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, कुछ अच्छे बात कर रहे थे उसके साथ उनके साथ। सो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।